जय सियाराम, जय हनुमान। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि राम नाम के जाप के माध्यम से आप बड़ी से बड़े बंधन को काट सकते हैं, बड़े से बड़े बंधन से मुक्त हो सकते हैं। चाहे आप पे तंत्र बाधा है, तंत्र से किसी ने आपके कारोबार को बंधन कर दिया है, या आपकी बुद्धि को कीलित कर दिया है, या आपके परिवार पर उसने तंत्र करवा के आपके परिवार के सदस्यों की बुद्धियों को बांध दिया है, आपके घर में अशांति पैदा हो गई है, भूत प्रेतों का वास हो गया है, नकारात्मकता आपके घर में भर गई है, तो इस विधि से आप उस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। और हनुमान जी महाराज की कृपा से ये विधि करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त हो जाएगा। राम नाम का जाप और राम नाम का मंत्र अपने आप में महान मंत्र है। इसमें सब प्रकार की शक्तियां विराजमान है। जिस भाव से जो साधक इसका सहारा लेता है, उसी भाव से यह उसके जीवन में चमत्कार करना शुरू कर देता है। कोई सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है तो नाम जाप उनको सिद्धियों की तरफ ले जाता है। कोई साधक राम जी से प्रेम चाहता है तो नाम जाप उनसे श्री राम जी का प्रेम स्थापित करवा देता है। और अंततः गत्वा जब उनका अंतिम समय आता है तो नाम भगवान उनको भगवान तक भी पहुंचा देता है। नाम भगवान में इतनी शक्ति सामर्थ्य मौजूद है, तो आप फिर फालतू चीजों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर लो, भूत प्रेतों को सिद्ध करो, जिन खैसों को सिद्ध करो, क्यों सिद्ध कर रहे हो? जब राम नाम में सारी शक्तियां विद्यमान हैं, तो आप इधर उधर क्यों भटक रहे हो? और ये भटकन ही आपको भटका रही है। जब तक आप इस चक्करों में पड़ोगे, भगवान से नहीं जुड़ोगे, तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। अपने आध्यात्म बल को मजबूत करो ना, राम नाम से अपने आप को जोड़ो। और राम नाम में इतना भरोसा आपका होना चाहिए कि वह आपके लिए एक जीवन का आधार बन जाए। तो समझ लीजिए, राम नाम का जाप ही आपके जीवन में एक अलौकिक चमत्कार परिवर्तन लाकर देगा और आपके जीवन को भी बदल देगा। अब शक्तियों से बंधन, तांत्रिक बाधा, मंत्र जाप, ये सब कैसे, इनसे छुटकारा पाया जाता है राम नाम के जाप के द्वारा। एक छोटा सा हम एक बिंदु पर और प्रकाश डालेंगे कि तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक इत्यादि क्रियाएं किस पर होती हैं। ये क्रियाएं ज्यादातर उन व्यक्तियों पर होती हैं जिनकी मानसिक स्थिति कमजोर होती है, जो इन तंत्र मंत्र जादू टोने पर विश्वास करते हैं, उन बातों को चलाने लग जाते हैं, उन बातों से डरने लग जाते हैं, जिनको अपने इष्ट पर भरोसा नहीं होता है, उन पर तंत्र मंत्र जादू टोने जैसी इत्यादि कुपित क्रियाएं असर कर जाती हैं, उन पर आकर अपना डेरा डाल लेती हैं। जिनके घर में पवित्रता नहीं है, पूजा पाठ नहीं होता है, भगवान का ध्यान नहीं होता है, उन पर ये चीजें असर करती हैं। यानी कि जो एक सिंपल वे में समझ लीजिए कि जो इन चीजों को मानता है उन्हीं पर ये चीजें असर करती हैं। आपने देखा होगा संत महात्मा, बड़े बड़े संत, दिव्य संत जो होते हैं, वो वनों में घूमते रहते हैं, मरघटों में रहते हैं, सुमसान से सुमसान जगहों में साधना करते हैं, उनके लिए भूत प्रेत कहां चले जाते हैं? उन पर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत होती है, इतनी मजबूत होती है कि ये छोटी छोटी तरंगें जो होती हैं आपकी बुद्धि को धूमिल करने वाली तंत्र बाधा की, भूत बाधा की, वो उन पर असर ही नहीं कर पाती है, उनके पास ही नहीं जा पाती है। तो ये सब क्रियाएं होती हैं और ऐसे लोगों पर ये अटैक करती हैं। तभी तो हम आपसे कहते हैं कि आप राम नाम का कम जाप करें, लेकिन राम नाम का जब आप जाप करेंगे तो आपके अंदर एक मेधा शक्ति बढ़ेगी, आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, आपके जीवन में उन्नति होना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में एक अलौकिक परिवर्तन आना शुरू होगा। आपका मानसिक स्तर उच्च स्तर का हो जाएगा, आपकी मेडिटेशन के माध्यम से आपकी ऑरा की जो शक्ति है वो बहुत परिपक्व हो जाएगी, तो ये चीजें आपके संपर्क में भी नहीं आएंगी, संपर्क में आएंगी तो जलकर राख हो जाएंगी। तो अब हम जो मेन पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं, जो मेन पॉइंट है कि इन बाधाओं से कैसे बचें। देखिए, ये बाधाएं आपके घर में अटैक करती हैं तो ये ज्यादातर शक्तियां जो होती हैं बुद्धियों पर बैठ जाती है, यानी कि घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी बुद्धियों को कीलित कर देती है, फिर वो ज्यादा सोच नहीं पाते हैं, बस जो वो करवाना चाहता है तांत्रिक ने, जिस उद्देश्य से वो चीज भेजी है, उसने जिस संकल्प के माध्यम से आपके ऊपर वो चीजें छोड़ी हैं, तो वैसा ही आप करने लग जाते हैं, क्योंकि उस तांत्रिक की संकल्प शक्ति आपकी संकल्प शक्ति से अधिक है। उस समय आपको क्या करना होता है कि आप एक संकल्प लीजिए राम नाम का, अपने घर में एक कलश स्थापित करिए, मिट्टी का घड़ा लाकर उसमें जल भरकर, जो कलश की विधि होती है, कलश की विधि से आपको अपने घर में कलश स्थापित करना है और वहां पर आपको धान बेने हैं, धान या फिर हमारे यहाँ बेजर बोला जाता है, जो माता रानी के वो होते हैं ना,
नवरात्रि आते हैं उनमें बोई जाती है, वो बोनी है। और उस जगह पर आपको सुबह शाम दीपक जलाना है, वहीं पर बैठकर। अगर आपके घर में कोई साउंड की व्यवस्था है, जैसे कि बॉक्स वॉक्स इत्यादि चीजें हैं, तो बॉक्स आप रख लीजिए। तो उस कमरे में वो एक सेपरेट कमरा होना चाहिए जिसमें ऐसी चीजें मतलब कोई गलत व्यक्ति उसमें प्रवेश ना करे। तो उस बॉक्स में आपको राम नाम का जाप चलाना है या फिर हनुमान जी महाराज का कोई मंत्र चला देना है। आपको ज्यादातर श्री राम, जय राम ये मंत्र चलाइए, या राम रामाय नमः इस मंत्र को चलाइए। इन दोनों मंत्रों में से एक मंत्र को आप चला दीजिए। यूट्यूब पर ये चीजें मिल जाएंगी और आप इनको तेज आवाज में चलाइए जिससे कि ये आवाज आपके घर में गूंजे। इस चीज पे आपको विशेष ध्यान देना है कि वो आवाज जो है आपके घर में गुंजायमान होनी चाहिए, घर के एक एक कोने में वो आवाज जानी चाहिए। इतनी आवाज करके आप उसे चलाइए, कम से कम 2 से 2.5 घंटे सुबह, 2 से 2.5 घंटे शाम को इस चीज को आप करिए, तो आपके घर में जो भी तंत्र मंत्र जादू टोना बुरी से बुरी कुपसित शक्तियां होंगी वो आपके घर से भाग जाएंगी। सबकी बुद्धियां जो होंगी कीलित होंगी वो मुक्त हो जाएंगी, सब भगवान की तरफ आकर्षित होंगे और आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। जहां पर भगवान का नाम जाप होता है, भगवान का कीर्तन होता है, वह जगह धाम बन जाती है, वह जगह पवित्र हो जाती है। वहां पर जो कोई भी आ जाता है उसका मन भी पवित्र हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सी जगह ऐसी होती है, संतों के आश्रम ऐसे होते हैं जहां पर जाने मात्र से आपका भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, नाम जाप के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां के वातावरण में जो है, वहां के जो संत हैं, वहां की मंत्र के जाप की ऊर्जा, पूजा पाठ के जाप की ऊर्जा और जो आरती पूजा टाइम टू टाइम वहां पर होती है उसकी ऊर्जा विद्यमान होती है, तो वहां का वायुमंडल शुद्ध होता है। जहां का वायुमंडल भागवतिक होता है, अपने आप का मन भी उसी तरह से भागवतिक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका जो असल है वो भागवतिक ही। आप आध्यात्मिक हो लेकिन उस चीज को आप जगा नहीं रहे हो, लेकिन जैसे ही वो उस कांटेक्ट में जाती है, उस जगहों पे पहुंच जाती है, तो वह अपने आप को प्रकाशित खिलायमान कर देती है और अपने उस ऊर्जा को उस जगह में वह फैला देती है। आपने देखा होगा जैसे कि हम कोई एक चीज ले लें, जैसे हमने बाजरा लिया, बाजरे को ले लें और उस बाजरे को जब तक आप किसी साफ मैदान में रखेंगे, उसको अच्छे से गाड़ेंगे ना, तो वो अंकुरित नहीं होगा। लेकिन उसी बाजरे को जब आप जुताई करके अच्छे से खेत को बनाकर उस बाजरे को उसमें डाल देते हैं, जैसे ही आप उसमें डालेंगे कुछ समय बाद वो अंकुरित हो जाता है और उसका एक बड़ा वृक्ष उसमें से उत्पन्न हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? आपने इस विषय में सोचा है? हम समझा देते हैं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि उसके अंदर उसके परमाणु ऑलरेडी पहले से मौजूद थे और उसको ऐसा संसर्ग मिल गया, यानी कि वो सारा वातावरण उसको मिल गया, जो चीजें उसको चाहिए थी, तो वो अंकुरित हो गया, वो एक वृक्ष बन गया। इसी तरह से आपके साथ होता है, जब आप भागवतिक वातावरण में जाते हैं तो आपके अंदर भगवान तो विद्यमान है, आत्मा में परमात्मा है, और जैसे उसको वैसा वायुमंडल मिलता है तो वह एक जड़ पकड़ लेती है और उसमें आपका मन लगने लग जाता है और आप राम नाम के दीवाने होकर मस्त हो जाते हैं। तो आप इस विधि को करिए, बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र जादू टोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और एक झटके में सब कुछ आपसे दूर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय सियाराम, जय जय हनुमान।